कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र को किसान और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर जारी करेंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे, तो वहीं पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में और अभियान के अंदर हम लोग भाजपा से काफ़ी आगे आ चुके हैं। जो बाकी 5-6 नाम हैं उसकी घोषणा राहुल गांधी के निश्चित पत्र हो जाएगी। कल AICC में हम लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो न्याय की योजना राहुल जी अनाउंस करने वाले हैं कल, ये एक गेम चेंजर साबित होगा। और सबसे गरीब 20% देश के लोग हैं, उनको प्रति वर्ष 72,000 रुपये का कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन ऐसा किसी पार्टी ने कभी नहीं किया। और आर्थिक वृद्धि गरीबों की हो पिछड़ों की हो, इस बात को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं। मुझे लगता है कि इसका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है, इसलिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।